हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग की आज क्लास लेके मैं आया हूँ और आपको जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करते हैं हम। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो क्लास चल रही है उसका बेनिफिट उठाएँ और आप वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। दोस्तों, थोड़ा सा व्यूज बढ़ाएं क्योंकि हमें इससे हौसला मिलता है। जब वीडियो में व्यूज बढ़ते हैं तो इससे हमसे हौसला मिलता है और आपको कोई सुझाव देना तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज हम डिस्कशन करते हैं फ्लोरेट ट्यूब के बारे में। सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इसका चित्र देखेंगे। क्या देखेंगे? चित्र देखेंगे और चित्र देखने के बाद की पॉइंट देखेंगे कि एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या चीज इम्पोर्टेंट है। तो आज ये चीज हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप बेझिझक डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसका चित्र देखते हैं। और चित्र देखने के बाद एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले इसमें एक नली होती है। ये अपन चित्र देख रहे डायग्राम देख रहे फ्लोरेट ट्यूब का डायग्राम देख रहे। आप हमारे साथ डायग्राम को बनाते चले ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे एक और नली गई होती, यहाँ पे एक और नली लगी है, इसके ऊपर यहाँ से इसका कनेक्शन रहता है और ये यहाँ पे ऐसे है। इसको अपन डॉटेड लाइन से पैक कर देते हैं। इसको अपन कौन सा से पैक करते हैं? डॉटेड लाइन से पैक। इसका नाम अपन देते हैं ये स्टार्टर है। दोस्त याद रखना, कोई भी अगर सेकंड ईयर की इंजीनियरिंग में आप ड्राइंग कर रहे हो तो आप HB पेंसिल यूज करना और जो नेमिंग करते हो तो एक साइड करना, चाहे लेफ्ट साइड करना और चाहे राइट साइड करना। इसका नाम है स्टार्टर। क्या बोलते हैं इसको? स्टार्टर। इसको स्टार्टर तो नेमिंग आप एक साइड करना। इसको स्टार्टर करना दोस्तों। फिर इसके बाद क्या करोगे, आप निचले वाले हिस्से को, जो निचले वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल को आप नीचे से कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के बाद एक पॉइंट से आप AC सप्लाई दोगे, एक पॉइंट से आप AC सप्लाई दोगे और एक पॉइंट से आप चोक लगाओगे। क्या लगाओगे? चोक। अब हम नेमिंग करते हैं। यहाँ पे गैसें भरी रहती हैं। क्या भरी रहती हैं? यहाँ पे गैस भरी रहती है, ये गैस भरी रहती है। अब नेमिंग करने के लिए ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं मरकरी बैकअप। मरकरी प्लस आर्गन गैस, मरकरी प्लस आर्गन गैस। इसके अंदर क्या भरा रहता है? मरकरी प्लस आर्गन गैस। ये दोनों तरफ चीजें बोलती हैं, इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। ये जो ट्यूब बनी रहती है ये वाली ट्यूब जो बनी है इसको बोलते हैं फ्लोरेट कोटिंग। क्या बोलते हैं?
फ्लोरेंट कोटिंग, यह चीज आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं फ्लोरेंट कोटिंग। क्या बोलते हैं? फ्लोरेंट कोटिंग। ये जो जिस चीज से बना रहता है उसको बोलते हैं फ्लोरेंट कोटिंग। फ्लोरेंट कोटिंग इसको बोलते हैं फ्लोरेंट कोटिंग। यहां से अपन एसी सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं? एसी। ये इसको बोलते हैं पावर सप्लाई। पावर इसको बोलते हैं पावर सप्लाई। ये चीज यहां पे लगा रहता है, ये चीज लगा इसको फ्लो हो। दोस्तों जो ये फ्लोरेंट ट्यूब है, फ्लोरेंट ट्यूब यानी कि जो घरों में यूज होने, आप देखते होंगे कहीं भी आप स्टडी करते हैं वहां पे एक छोटा सा ट्यूब लगा रहता है जिसको अपन ट्यूब लाइट बोलते हैं, ये फ्लोरेंट ट्यूब ही है। ये क्या है? फ्लोरेंट ट्यूब ही है। ये यहां से थोड़ा सा इसका कनेक्शन डायरेक्ट यहां से आएगा, इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरेंट ट्यूब ही बोलते हैं। ये कनेक्शन ऐसे होगा। तो अपन ने इसका कनेक्शन देखा, इसमें क्या क्या चीज लगा रहता है, इसको अपन स्टार्टर बोलते हैं। जब स्टार्टर से बटन ऑन करेंगे तो इससे प्रकाश निकल रही है, फिलामेंट है, फिलामेंट गर्म होगा तो प्रकाश निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं स्टार्टर बोलते हैं। इसके अंदर कौन सी गैस भरी रहती है? जो गैसें भर रहती है यहाँ पे मरकरी और आर्गन गैस भरी रहती है। ये जो चीज लगा होता है इसको फिलामेंट बोलते हैं, और ये जो पूरे बॉक्स के अंदर ये चीज बना रहता है इसको फ्लोरेंट कोटिंग से बना रहता है। किसका बना रहता है? फ्लोरेंट कोटिंग से बना रहता है। ये फ्लोरेंट कोटिंग से यहां से अपन एसी सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं? यहां से अपन पावर सप्लाई देते हैं, और यहां से अपन ये चोक कनेक्ट करते हैं। जब यहां से हम पावर सप्लाई देंगे, तो ये फिलामेंट क्या होगा? गर्म होगा। ये फिलामेंट क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होने के बाद जो इसके अंदर गैसें रहेंगी, गैसें क्या हो जाएगी? आयनित हो जाएगी, और आयनित होने के बाद ये प्रकाश देना स्टार्ट करेगी। चलिए ये तो अपने डायग्राम पढ़ा, डायग्राम देखने के बाद ये पूरा एचबी प्रिंसेस बनेगा। किस प्रिंसेस बनेगा? एचबी प्रिंसेस। अब चलिए एग्जाम के रिलेटेड जो पॉइंट है उन पॉइंटों को ध्यान देते हैं। तो इसका की पॉइंट क्या क्या है? इसका की पॉइंट है, सबसे पहले इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई 30 से 150 सेंटीमीटर की होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 30 से 150 सेंटीमीटर की होती है। और इसकी प्रकाश की इंटेंसिटी कितना प्रकाश देगा, यह कितना प्रकाश देगा उसकी इंटेंसिटी होती है, यानी कि प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता कितनी होती है? प्रकाश की तीव्रता होती है 60 ल्यूमन वाट। कितनी होती है? 60 ल्यूमन वाट। ये जो इसकी लंबाई है, ये जो पूरे ट्यूब की, फ्लोरेट ट्यूब की लंबाई है, इसकी लंबाई होती है 30 से लेकर 150 सेंटीमीटर। और जो इसके प्रकाश की दक्षता होती है, जो प्रकाश की दक्षता होती है वो 60 ल्यूमन वाट होती है। दोस्तों आप डायग्राम का एक एक पॉइंट देख सकते हैं, क्या क्या मैंने डायग्राम बनाया है, आप अच्छी तरह से डायग्राम को देख लीजिए, नोट कर लीजिए पूरी चीज, एक एक चीज आप नोट कर सकते हैं। मैं दूर हट गया, आप चीजों को नोट कर सकते हैं, और नोट करने के बाद जो नंबरिंग है, ये जो नंबरिंग मैंने किया है इसको एक साइड करना, कितने साइड करना, चाहे आप लेफ्ट साइड करना हो चाहे इसको राइट साइड करना, लेकिन ये जो पूरा डायग्राम बनेगा, ये पूरा डायग्राम आप एचडी पेंसिल से बनाएंगे। आप डायग्राम को देखें, पढ़ें, समझें, बजाएं। ये एक एक चीज मैंने बता दिया है, कहां कौन सी चीज है, ये चीज मैं बता दिया हूं, और आप मेहनत करते रहिए, और आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप बेहिचक मुझसे संपर्क करें, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको फॉरवर्ड करो। जय हिंद, जय भारत, आदर।